विधानसभा में पता चलेगा आज अफवाह का, विधानसभा में पता चलेगा अफवाह एक सच्चाई। अब हाउस चल रहा है, हाउस चल रहा है तो उसमें सारी बातें हाउस के अंदर ही हो। वो तो हाउस में बोलूंगा सारी बात। अच्छा हाउस चल रहा है तो हाउस में ऐसा कुछ है कि मुख्यमंत्री या सरकार पे खतरा मंडरा जाएगा? अब देखिए, अभी हमारा हाउस चल रहा है और मुझे हाउस की वजह से ही मुझे बर्खास्त किया है, तो इसका जवाब मुझे हाउस में देना चाहता हूँ। जो भी खतरा है, मेरे मुकदमे भी लगे हैं उन पे, मुझे जेल में भी डालने का खतरा है, वो सारा काम है, लेकिन वो तो चलता रहेगा। सिस्टम का पार्ट है जो स्ट्रगल, मैंने फैसला सरेंडर, मुझे रंधावा जी ने कहा कि मैं माफी मांग लू, और माफी मांगने के बाद वो मुझे माफ कर देंगे। तो मैंने माफी मांगने का निर्णय नहीं किया, मैंने संघर्ष करने का फैसला लिया। मैं हमारी बहन बेटियों के लिए, जिन्होंने मुझे चुनाव जिता के और एक उम्मीद के साथ विधानसभा के अंदर भेजा था कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अब हम वो नहीं कर पाए और हम बंद गए थे, हमारे मुंह में ताले लगा दिए गए थे, हम आजाद हो गए। अब वो उन्होंने मुझे माफी के लिए कहा, लेकिन मैंने जो रास्ता लिया वो संघर्ष का लिया, माफी मांगने का नहीं, सरेंडर करने का। राजशेखा का वंशज हूं, रणावता में एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी माफी की चीज के। रंधावा को मेरी हिस्ट्री देखनी चाहिए।